हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मारुति 800 को एक नए तौर से इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं मारुति 800 को किस तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया जाएगा। देश में लाखों लोगों की यादें उस कार से जरूर जुड़ी हो सकती है जिसका मारुति काफ़ी समय से प्रोडक्शन बंद कर चुकी। हम बात कर रहे हैं मारुति 800 की। मारुति 800 एक छोटी सिटी कार थी जिसका भारत में प्रोडक्शन 1983 से 2014 तक मारुति सुजुकी द्वारा किया गया। इसका फास्ट जेन मॉडल 1979 की सुजुकी अल्टो पर आधारित था और इसमें 800 सीसी का F8B इंजन लगा हुआ था। आमतौर पर इस कार को भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार माना जाता है। मारुति ने इस कार की लगभग 28.7 यूनिट्स तैयार की थी जिसमें से 26.6 लाख को भारत में ही बेचा गया। 31 से अधिक वर्षों के प्रोडक्शन के साथ मारुति 800 भारत में दूसरी सबसे लंबी उत्पादन वाली कार है। इस मामले में पहले नंबर पर हिंदुस्तान एम्बेसडर रही है। बहरहाल अब आपकी मारुति 800 लौट कर आई है और वो भी एकदम नए रूप में। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इस कार के डिटेल्स के बारे में, मारुति 800 का इलेक्ट्रिक लुक। तो अब हम लोग देखते हैं मारुति 800 का इलेक्ट्रिक लुक कैसा होगा। कई कार कंपनियों ने कुछ पुराने मॉडल नए लुक और इलेक्ट्रिक वेरिएंट में फिर से मार्केट में वापस ला रहे हैं। कुछ मौजूदा कार मॉडलों को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में बदला जा रहा है। इन कारों में टाटा नेक्सॉन ईवी, आने वाली किया सेल्टोस ईवी और मारुति वैगन आर ईवी शामिल है। अब इसी कैटेगरी में मारुति 800 का भी नाम शामिल होने जा रहा है। मारुति 800 की ईवी मॉडल सामने आया है। हालांकि इसे कंपनी ने मारुति 800 के ईवी वर्जन को आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया है, बल्कि इस कार के बेसिक मॉडल को ईवी में तब्दील किया गया है। तो दोस्तों, ये कार आपको कितने रेंज दे सकती है, तो चलिए रेंज के बारे में जान लेते हैं। गाड़ी वाड़ी की एक रिपोर्ट के अनुसार मारुति 800 ईवी की टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, जबकि ये 120 किलोमीटर तक चल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस कार को नया रूप दिया है। नॉर्थवे मोटर स्पोर्ट के हेमांग देवरे ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, इसी के मद्देनजर मारुति 800 को भी इलेक्ट्रिक रूप दिया गया है। मारुति 800 के नए अवतार में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। तो अब जानते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। मारुति 800 ईवी में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को शामिल किया गया है जो इसे स्लो करने में काम आएगा। वहीं टेस्ला कारों की तरह इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है। आप इस कार को ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स जैसे विभिन्न मोड पर चला सकते हैं। इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में कस्टम सॉफ्टवेयर की भी सुविधा है जो आपकी बैटरी लेवल, रेंज इंडिकेशन, फ्यूल यूज और टेम्परेचर आदि की जानकारी देती है। हालांकि ये कार सिर्फ 2 सीटर है, इसमें सामान रखने के लिए फ्लैट बेड कवर है। ये कार 16 सेल्स की बैटरी के साथ आएगी। अब जान लेते हैं इस कार के दम के बारे में। इस कार के 48V सिस्टम में 13.2 kW सेटअप 19 kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करेगा। इसका अधिकतम टॉर्क 70 Nm है, मगर ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही होगा। वैसे इंस्टेंट टॉर्क 54 Nm है। साथ ही मारुति 800 ईवी में 7.1 स्टेप डाउन ट्रांसमिशन दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।